बलाएं बाहर नहीं होती, बलाएं अंदर होती। जो मन की बलाओं के ऊपर गालिब हो गया वो बड़ी बड़ी बलाओं को मुंह दे सकता है। कि क्या क्या आपको तो यू हैव टू कॉन्कर योर सेल्फ फर्स्ट टू कॉन्कर द वर्ल्ड। पहले आपने अपने आप को जीतना है और आपका अपना आप काट देगा आपको, चीर देगा अंदर से, गिरा देगा आपको इस दुनिया के अंदर, लेकिन खड़ा नहीं होने देगा। क्योंकि आपने और मैंने ही अपने आप को, इट्स अ वॉर बिटवीन बोथ, मेरे हमारे अंदर ही एक जंग है, हमारी ही हमारे आप से। और वो गंदा भी हमने, वो ईविल भी हमने ही, उसको खुद खाना हमने दिया। तो ये जितनी भी अंदर डिसऑर्डर्स हैं, ये जितना गम है, ये तकलीफ है, ये जो भी गुजर रहा है सीनों के ऊपर, जो मुझे सुन भी रहे हैं और सब अपने असकार भी करते ना, क्योंकि इसी के ऊपर जिन भी फीड करता है, ये जितने जादू और ये जितने जिन्नात बंदे को पोजेस करते हैं, ये उसके डिप्रेशन पे फीड करते हैं। इसलिए तो कहते हैं तीन हालतों में जिन घुसता है आदमी में, बहुत ज्यादा गम, बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत ज्यादा शहवात और डिजायर, सेक्सुअल डिजायर्स में, तभी तो जिन घुसता है अंदर चैनल्स ओपन होते हैं उसकी बॉडी के। पॉइंट ये है, इन्हीं हालतों में वो फीड करते हैं। तो सब आउज़ु बिकलिम अल्लाह ताम माती मिन शर्री मा खलक भी पड़े, क्योंकि इनको शेख आतिफ की नवाज़ों से इनको बड़ी सट लगेगी अभी, क्योंकि कुरान पढ़ना, रुकिए से इलाज करना अपना, ये अपनी जगह की बात है। लेकिन अकीदा मजबूत रखे ना आदमी, माइंड सॉलिड हो। मैं देखता हूँ ना ये कैसे फड़केंगे आपके पास आके, ये कैसे एक मुसलमान को आगे हिला के चले जाएंगे। जब अकीदा मजबूत हो इंसान का, जब उसको पता है अल्लाह मेरे साथ खड़ा है, नहीं भी दिखता तो बोले अल्लाह साथ खड़ा है, नहीं भी महसूस होता बोलता अल्लाह मेरे साथ खड़ा है, मर जाएगा ना एंड में, मर जाएगा ना। क्या है इस दुनिया का, क्या है इस दुनिया की हैसियत, क्या है इस दुनिया की हैसियत, मरना तो सपने है ना, घबराए क्यों। और इनसे मर जाए जिन्होंने हमारे बाप की बेहरमती की आसमानों पर, जिन्होंने अल्लाह की गुस्ताखी की, अना खैरु मिन्हु का नारा लगा के, इनसे घबराए आदमी, आयतुल कुर्सी कम है क्या हमारे पास लड़ने के लिए। तो माइंड सॉलिड रखेंगे या खुद ही पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। अकीदा सॉलिड रखें, माइंड सॉलिड रखें, तौहीद पक्की रखें अपनी कि अल्लाह है और अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। फिर मैं देखता हूं कैसे फटकती हैं ये चीजें। लोग हमारे पास पूरी दुनिया जहां से केसेस भेजते हैं, हाँ हो गया ये जादू हो गया, हेलो व्हाट्स रॉन्ग, हमारे लोगों को क्या हो गया। एक मुवाहिद को गिराएंगे ये लोग, एक मुवाहिद गिराएंगे ये लोग, एक तौहीद वाला जिसकी तौहीद रासिख है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, उसको गिराएगा एक शैतान और एक इब्लीस और एक जिन और एक इफरीत, क्या हो गया हम लोगों। तो द पॉइंट इज के बेरोज है, सुकून भी इंसान के दिल में है, और जो लड़ाई और जो बेसुकूनी और जो उसको तबाह करने वाली चीजें वो भी सब अंदर है, सब अंदर है, कुछ बाहर नहीं है। ये लोगों की बातें, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, बीमारी नहीं जा रही, माजूर बच्चा पैदा हो गया किसी के घर में, सारी जिंदगी बाप ने देखना है उसको, मैं कैसे उसके गम को समझ सकता हूं, कैसे समझ सकता हूं मैं एक इंसान के गम को जिसका बच्चा ही बाय बर्थ पैरालाइज पैदा हो गया। क्या देंगे आप उसको, क्या देंगे आप उसको कि उसके मन को वो ठंडा हो जाए। तलाकें हो गई लोगों की, ये देखें अभी इसने किस तरह गर्दन काट दी उस लड़की की, जो भी जिसने जो कंट्रोवर्सी बनानी है उस पर बनाए, क्या इसका नियमों बदल किया है। या कोई बंदा अगर जो है यहाँ पर ज्यादतियां किस लेवल की हुई है, क्या दिलाएंगे। आज मुझे समझ में आता है अल्लाह क्यों कहता है वफिल किसास हयात या उलिल अल्बा, बदले के अंदर जिंदगी, जिंदगी का ऐलान है जिंदगी। पॉइंट ये है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सिर्फ सबर ही, सबर करना है, सबर इज निस्फ दीन है, तवासो बिलक व तवासो बिस सबर। लेकिन पॉइंट ये है अदील भाई,